जयनगर सिटी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अली। शुरू करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों से। केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी व जीएसटी लागू करने पर भाकपा व भाकपा माले के द्वारा काला दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी व जीएसटी लागू करने पर देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसी समस्या के खिलाफ आज भाकपा व भाकपा माले ने संयुक्त रूप से काला दिवस मनाते हुए जयनगर रेलवे स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। भाकपा के राज्य परिषद सदस्य अमीरुद्दीन व भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के संयुक्त नेतृत्व में काला दिवस मनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताया। आयोजित सभा को शिवजी पासवान, सूरज ठाकुर, श्रवण शाह, मोहम्मद मुस्तफा, विजय राय, मोहम्मद भोला, गुड्डू गुप्ता, मोहम्मद यूनुस, रामचंद्र पासवान समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। पूरे भारत में खास करके वामपंथी मोर्चा और अन्य पार्टी भी यह जो नोटबंदी लागू किया देश के अंदर, इससे गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है, इससे भला किसी का भी नहीं हुआ है। चंद जो घराने हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको सिर्फ फायदा हुआ है, गरीबों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है, इससे नुकसान गरीबों का बहुत हुआ है। दूसरी बात, जीएसटी जो लागू किया गया है इस देश के अंदर, इस जीएसटी से छोटे छोटे व्यापारी, गरीब गुरबा, जिस पर इतना बोझ डाल दिया गया है, इतना महंगाई का बोझ 8%, 10%, 12%, 18%, 28% तक का जो बोझ गरीबों के ऊपर लादा गया है, जो इनडायरेक्ट रूप में से पूरे देश में गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है, और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े घराने हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। जीएसटी का लाभ चंद लोगों को है, बाकी तमाम पूरे देश के अंदर जितने भी बड़े व्यापारी हैं, जितने भी मध्यम क्लास के लोग हैं, जितने भी किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले और जितने भी लेफ्ट हैं, और कांग्रेस, राजद और अन्य पार्टियां पूरे देश के अंदर काला दिवस के रूप में यह जो नोटबंदी किया गया था, आज ही के दिन एक साल पूरा हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने पूरे देश के अंदर यह विरोध हम लोगों ने जताया है। यह इसका जो कदम है वो बहुत ही गलत कदम है, बहुत ही निंदनीय कदम है, जिससे गरीबों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश में यह जो नोटबंदी जैसे काला कानून को जनता के ऊपर जबरदस्ती जो थोपा गया था कि एक साल के बाद पुरने पर वामपंथी दलों के द्वारा, आज भाकपा भाकपा माले के द्वारा काला दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। इस पर यही कहना है कि पूरे देश में एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह का जो समस्या है, जन समस्या को जूझ रहा है जनता, इसके बाद यह काला कानून नोटबंदी को थोप करके जो टाटा बिरला डालमिया अंबानी मित्तल है उसको मजबूत करने का काम किया है। और कई बार नोटबंदी के दरमियान नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मौका दिया गया, जिससे काला धन रखने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, संपन्न लोग जमीन खरीद करके, सोना खरीद करके, अन्य तरह के जो चीज़ में पैसा इन्वॉल्व करके वो अपना काला धन सफ़ेद करने का काम किया। मोदी का यह एक टाटा बिरला डालमिया जैसे कई पूंजीपतियों को संपन्न बनाने का यह योजना था। आज पूरे देश में महंगाई का मार, बेरोजगारी का मार, तमाम तरह का जो समस्या से जनता जूझ रहे हैं, और यह नोटबंदी का ही देन है। और दूसरी तरफ जीएसटी थोपने का काम किया, इसे तमाम छोटे छोटे व्यापारी जो बेरोजगार हो रहे हैं, बिजनेस ठप हो चुका है, इसी के खिलाफ में आज वाम दलों के द्वारा मोदी का पुतला। नोटबंदी के खिलाफ माकपा के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। नोटबंदी के खिलाफ देश में व्यापी आंदोलन के तहत आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा काला बिल्ला लगाकर शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर रेलवे स्टेशन चौक पर उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में
नुक्कड़ सभा का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। माकपा नेता शशि भूषण प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नोटबंदी लागू कर दिया गया, जिससे एक वर्ष पूरा होने पर पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश भर के सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा है, लाखों युवा बेरोजगार हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, ये सरकार किसान व छात्र विरोधी है। सभा को कृष्णदेव यादव, सुनील सिंह, सुरेश यादव, भोला शाह, मोहम्मद उस्मान, महेश्वर दास समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री शर्म करो। 8 तारीख है, आज ही के दिन 8/11/2016 को देश में जो नोटबंदी कानून सख्ती से देश के प्रधानमंत्री लागू किया था, पुराना नोट को समाप्त कर नए नोटों की जो है सो घोषणा किया था, और यह किया था इसलिए कि काला धन जो है जितना वह सीज हो जाएगा। लेकिन देखने को यह स्पष्ट है, आम जनता आम लोग की जो नोटबंदी लागू होने से देश के अर्थव्यवस्था कितनी गिरी है, जबकि उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा में फायदा ये हुआ देश के नरेंद्र मोदी के कारण कि पूरे देश के अंदर में लगभग 200 लोगों की नोटबंदी के क्रम में मौत हो गई बैंक के लाइनों में, उसके बाद लाखों लोग बेरोजगार हो गया दिया। आज वो अपने बाल बच्चे को लेकर दाना दाना के लिए त्राहिमान में है। इसके अलावा पूरे देश के अंदर में 3.25 करोड़ बेरोजगार हो गया। देश के प्रधानमंत्री जुमलाबाज है, झूठा बयानबाजी करते हैं, देश के नौजवानों को गुमराह करके वोट लेकर गद्दी पर बैठ गए, और 3.5 वर्षों बीत जाने के बावजूद भी देश में एक विभिन्न विभागों में एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहां जो युवाओं को रोजगार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में आए थे, लेकिन दोनों ही एक ही हैं, एक ही डिब्बा है, लेकिन अलग अलग रंग कलरों से पैक किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया है, आगे आने वाले चुनाव में उसको धोखा जरूर युवा वर्ग देंगे, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा देश अंतर्राष्ट्रीय देश स्तर पर आज पूरे देश के अंदर में बरखी मनाया जा रहा है, काला दिवस मनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम काला बिल्ला लगाकर हम लोग करके काला दिवस मनाए हैं, और यह आह्वान करना चाहते हैं कि देश के अंदर में जो अर्थव्यवस्था गिरा है नोटबंदी के चलते गिरा है, नोटबंदी एक धोखा था, आम जनता के साथ यह